उत्तराखंड में बहुत सर्दी है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है अभी चढ़ा हुआ है। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। 21 जनवरी को नामांकन शुरू होंगे और 14 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। हम अभी मंगलौर में हैं। मंगलौर से पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी, जो 2012 में विधायक बने और 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इनसे बात करते हैं कि चुनाव की किस तरह से इनकी तैयारियां हैं। हाजी जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है, आचार संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है, अब 2022 को लेकर किस तरह से आपकी तैयारियां हैं? देखिए, हमारी जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है 5 के 5 साल जो है चुनाव में रहती है और चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है। आज ये चुनाव ऐलान हो गया इसका, तो आज भी हम जो है बाखूबी जो है लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी पार्टी और हम जीतते हैं। 2012 में आप पहली बार विधायक बने, कांग्रेस को समर्थन देके उनकी सरकार बनवाई, आपने काफ़ी विकास कार्य करवाए। 2017 में आपको हार का सामना करना पड़ा। 2017 से 2022 तक यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? आज देखिए, जहाँ 2012 का सवाल है मेरे विधायक का, तो आज मैं विधायक 2012 में रहा और आज वर्तमान में है, तो आज हमारे क्षेत्र की जनता जो है इस बात पे कैलकुलेशन कर रही है, इस बात पे जो है देख रही है कि किसका कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा, किसका घटिया रहा। तो जहाँ तक विकास की बात है, पूरे क्षेत्र के अंदर मेरे 2012 से 17 तक का जो विकास है उसकी जो है तारीफ हो रही है, उसको जो है लोग याद कर रहे हैं, और नए वर्तमान विधायक ने जो है आज तक जो है कोई भी एक रोड़ी नहीं लगाई विधानसभा में, इसको जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक उससे पूछ रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं कराया आपने, कहाँ रहा आपका विकास का योजना जो है सरकार से मिलती है वो कहाँ पर रही, इससे सवाल जवाब किया जा रहा है। 2012 से 2017 का विधायक रहे, इस बीच में आपने जो कार्य कराए उनमें प्रमुख कार्य क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ विधानसभा में आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो सबसे पहले उस विधानसभा की स्थिति को देखना चाहिए। उसके भूगोल को देखना चाहिए कि कहाँ से किसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है। कि हमारी विधानसभा जो है मंगलौर, वो हमेशा पिछड़ी हुई विधानसभा रही है। जहाँ तक देश जब से आज़ाद हुआ, इसमें आज तक भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हमारी यहाँ की जनता को जो है उसका लाभ मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, और जी आपके बिजली के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे, आपके जो हम अस्पताल के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, और यहाँ तक के यहाँ सड़कों के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हुए थे। मैंने 2012 में जो देखा कि भाई हमारी विधानसभा को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो देखो विकास में सबसे बड़ी चीज़ आती है तरक्की के लिए शिक्षा। हमारे यहाँ कोई शिक्षा का कोई अभाव था, बहुत बुरी तरीके से अभाव था, यहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं थी। मैंने सबसे पहले शिक्षा को प्रायोरिटी पे लेते हुए अपने इस यहाँ के जो ज़रूरत थी उसको जो है पूरा करने के लिए मैंने यहाँ 2 डिग्री कॉलेज बनवाए, जिसमें एक आप देखते होंगे जीटी रोड पर चल रहा जर्नल लड़का लड़कियों का, और दूसरा शिखर में बनवाया था वो लड़कियों लड़कियों का था। और मंगलौर का जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, आपने किसानों के लिए क्या किया? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, इसमें लड़कियों का जो है क्षेत्र में मैं जो डिग्री कॉलेज बना, और उसमें जो है उसमें सिर्फ लड़की लड़कियों का था। जहाँ तक उसकी बात है बिजली की, तो बिजली के मैंने 3 जो है यहाँ बिजली घर बनवाए, आपने देखना किलान रोड पर चल रहा है, मुंडलाने में चल रहा है। तो अस्पताल के रूप में आ जाए तो इनके इनके हमारे भगवानपुर के बैठे हैं, इनको अस्पताल बनवा के दिया, लेकिन आज तक उसमें जो है नए वर्तमान विधायक ने कोई डॉक्टर लाने की काम नहीं किया।
इसी तरीके से नए वर्तमान जान में सिक्कर में जो स्कूल बना वहाँ भी जो है कभी स्टाफ लाने का उसने काम नहीं किया। जहाँ तक काशकारों की बात है तो काशकार हमारा क्षेत्र है, और ये विकास जब होना तो ये सबका होता है, इसमें काशकार भी को भी क्षेत्रों का वजह विकास होता है, इसमें गरीब का भी विकास होता है, इसमें और लोगों का भी विकास होता है। हमने हर क्षेत्र में जो है यहाँ विकास करने का काम किया, आज तक जो है उस विकास को जो है याद किया जा रहा है, और आगे भी हम जो है चुनाव में लड़ेंगे तो विकास के ऊपर ही लड़ेंगे। यदि मंगलौर की जनता आपको 2022 में चुनती है, विधायक बनाती है, तो क्या ऐसे कार्य हैं जो आप 2012 से 17 तक नहीं करवा सके और अब करवाएंगे? देखिए, इसमें बहुत चीज़ें हैं भाई। लड़कों के रोज़गार के मामले में ये नहीं हम करा पाए, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़रूरी चीज़ होती है नए जनरेशन के लिए। तो लड़कों के रोज़गार के मामले में ये नहीं हम करा पाए, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़रूरी चीज़ होती है नए जनरेशन के लिए। तो इन जो जो चीज़ें बची हुई हैं, जो हमारी नज़र में आएंगी, उनको जो है हम पूरा करने का काम करेंगे, और उनको अपने क्षेत्र को जो है साफ सुथरा बनाने का काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप के मंगलौर की जनता आपको 2022 में चुनने जा रही है? देखिए, आज जो हमारे नए वर्तमान विधायक की तुलना हो रही है विकास के मामले में, तो उसके विकास के मामले में तो जो है यहाँ की जनता जो है हमारे हमें जो है सराह रही है, और भाई जो विकास नहीं हुआ उनको जो है याद दिला रही कि आपने कुछ नहीं करा। तो हमारा तो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर जो हम लड़ेंगे और आगे भी विकास कराने का काम करेंगे अपने उसमें। आखिरी सवाल, 2012 में बसपा के 3 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन देके कांग्रेस की सरकार बनाई, 5 साल कांग्रेस की सरकार चलवाई। यदि 2022 में फिर वही स्थिति आती है कि कांग्रेस या बीजेपी को बसपा की जरूरत पड़ती है, तो किसे सपोर्ट करना पसंद करेंगे? देखिए, जहाँ तक बसपा के समर्थन की बात है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हम राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य अगर चुन कर गए तो हमारी जो नेता आदरणीय बहन कुमारीवती जी निर्णय लेगी, उसके अनुसार जो है हम जो है उसमें जो है वोट देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंगलौर से पूर्व विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैंने जो विकास करवाए 2012 से 2017 तक, उसके बेस पर मैं यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और यहाँ की जनता मुझे 2022 में जिताने जा रही है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।